नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। रावर्ट्सगंज कोतवाली अंतर्गत लोढ़ी टोल प्लाजा जनपद सोनभद्र पर न्यूज कवरेज करने गए पत्रकारों पर जान से मारने की धमकी एवं दौड़ाकर पीटा गया। रावर्ट्सगंज टोल प्लाजा पर न्यूज कवरेज करने गए थे पत्रकार रंगेश सिंह न्यूज 18 व अशोक 24 संवाददाता इंडिया वॉच के पत्रकार हैं, जो दिनांक 14 अक्टूबर को समय करीब 2:30 बजे दोपहर में टोल प्लाजा लोढ़ी पर उनको ज्ञात हुआ कि अवैध परमिट की गाड़ियां क्रॉस कर रही थीं। इसकी सूचना पर पत्रकार कवरेज करने के लिए गए थे। वहां पर असलहे से लैस एक बोलेरो व स्कॉर्पियो से एक दर्जन लोग पहुंचे, जिसमें धर्मेंद्र तिवारी पुत्र अज्ञात निवासी ग्राम बहुआर निवासी व लक्की श्रीवास्तव निवासी चुर्क, जो लोग लाठी डंडों से पत्रकारों पर हमला कर दिए। पत्रकारों को गाली गलौज करने लगे व दौड़ाकर मारने लगे तथा जान से मारने की धमकी देने लगे। पत्रकार ने लिखित तहरीर में बताया कि हम लोग जान बचाकर भागकर पुलिस 112 नंबर पर फोन किया व पुलिस अधीक्षक जनपद सोनभद्र को फोन करके मामले की स्थिति से अवगत कराया गया। पत्रकारों ने FIR दर्ज न होने पर रावर्ट्सगंज कोतवाली में धरने पर बैठ गए। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस उप अधीक्षक राजकुमार तिवारी के आश्वासन पर पत्रकार धरने से उठे। सोनभद्र ऑल इंडिया जर्नलिस्ट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के जिला अध्यक्ष अवधेश अलवेला ने पत्रकारों के साथ हुए दुर्व्यवहारों पर दुख प्रकट करते हुए प्रशासनिक अमला व सरकार से पत्रकारों की सुरक्षा व रक्षा हेतु कानूनी व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग रखी। बैठक के दौरान उपाध्यक्ष ब्यास चंद, दिलीप कुमार, प्रमोद तिवारी, पवन कुमार राय, आशीष सिंह, राजनाथ, राजेश वंशतोष निषाद के साथ मोबाइल वीडियो ऑनलाइन मिर्जापुर से अन्नपूर्णा श्रीवास्तव व कमल कार बंधुओं ने इस घटना पर निंदा की। इस विषय में आइए सुनते हैं सोनभद्र पुलिस अधीक्षक आशीष श्रीवास्तव के बयान को। 14 अक्टूबर की शाम को कुछ पत्रकारों ने थाना रावर्ट्सगंज पर आकर के ये तहरीर दी कि उनके साथ लोढ़ी टोल प्लाजा पर धर्मेंद्र तिवारी और उनके साथियों ने मारपीट करी है और उनको जान से मारने की धमकी दी है। उनकी तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अभी जो मजरूब हैं उनका मेडिकल नहीं हुआ है, उनका मेडिकल कराया जाएगा और जो इसमें अभियुक्त हैं उनके बारे में जानकारी की जा रही है, शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। सोनभद्र से ब्यूरो चीफ अनिल तिवारी के साथ अवधेश शुक्ला की विशेष रिपोर्ट।